जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी साहित्य की जो निरंतर क्लासें चल रही थी, लाइव क्लासें, उसी क्लासों में अब हमने फिर से स्टार्ट किया है टॉप 1000 प्रश्नों की। ये हमारी सीरीज है जिसमें से ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, हर वीडियो में हम 45 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आपको जो है प्रश्न दिए जाएंगे और उत्तर आपको बताने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना है अपने साथियों को, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पर लाना है। रात्रि 9 बजे आपकी रोज एक वीडियो मिलेगी आपको हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। स्टार्ट होने वाला आज का ये वीडियो, तो फटाफट तैयार रहें प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय आर भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो कौन सी भाषा है, हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या फिर लौकिक संस्कृत? जल्दी से उत्तर बताना है आपको, 5 सेकंड दिए जाएंगे केवल, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय आर भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा मानी जाती है? तो वो मानी जाती है वैदिक संस्कृत, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है? तो भारतीय आर भाषा परिवार से, भारत यूरोपीय परिवार से, द्रविड़ परिवार से या आधुनिक भारतीय आर भाषा परिवार से? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 का हो जाएगा, द्रविड़ परिवार से। विकल्प नंबर जो सा है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। सा नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप बताना है आपको, लिखित है, मौखिक है, मानक रूप है या फिर साहित्यिक रूप है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक रूप। मौखिक ये भाषा का मूल रूप माना जाता है और वी नंबर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे बढ़ रहे हैं तो फटाफट से उत्तर बताना है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी में? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है आपको। तब आपको पता होनी चाहिए कि खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्यिक रूप विकसित हुआ वो हुआ दोस्तों 19वीं शताब्दी। 19वीं यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो आपका सी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 4 विकल्प है आपके सामने, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 या फिर 14 सितंबर 1950। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? प्रश्न क्रमांक 5। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का वो क्या होगा, सभी लोगों ने बताया है विकल्प नंबर आ, यानी कि 14 सितंबर 1949 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत तो परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताना है, चांद, सुधा, सरस्वती या फिर प्रताप? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत तो और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सा, यानी कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, है ना। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या फिर परिनिष्ठित हिंदी? किस रूप में विकसित हुई? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना है हमें।
तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है प्रश्न क्रमांक 7 का वो बताया है दक्षिणी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? मध्यकाल में बताना है आपको हिंदी को, उर्दू को, फारसी या फिर अरबी को। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? प्रश्न क्रमांक 8। तब प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फारसी। फारसी यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो किसके अनुसार? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342। किसके अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तब चार विकल्प के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर आपने बताया है वो क्या बताया दोस्तों? विकल्प नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो किस काल की थी? प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर वैदिक काल की? ब्रजभाषा और अवधी एक किस काल की काव्य भाषाएं मानी जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5 या 8 हिंदी की बोलियों को? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है हमें। तब आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 5 वर्गों में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? बुंदेली और कन्नौजी बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है पश्चिमी हिंदी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से या फिर पाली प्राकृत से? किससे हुआ? प्रश्न क्रमांक 13। तो आधुनिक भारतीय आर भाषाओं का जो विकास हुआ वो हुआ है अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? भोजपुरी बताना है किस प्रदेश की जो है बोली मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, और 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। भोजपुरी मूलतः जो मानी जाती है वो बिहार की मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है लेकिन मूलतः बिहार की मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी का बताना है आपको, खड़ी बोली हिंदी से, ब्रज भाषा से, अवधी से या फिर वांगरू से? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? प्रश्न क्रमांक 15। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, खड़ी बोली हिंदी से। ठीक है, आ नंबर आपका राइट आंसर होगा, खड़ी बोली हिंदी से। अगला क्वेश्चन देख लो, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? अशुद्ध तथ्य बताना है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 16 और 16 का कि भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए आपका अशुद्ध तत्व हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या प्रतीकात्मक लिपि? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रलिपि, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है?
मैथिल कोकिल बताना है आपको, विद्यापति, बिहारी कलेक्टर्स हैं केसरी या फिर घनानंद को। तो सभी लोगों को पता है प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, विद्यापति, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है, अवधि, व्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली में? प्रश्न क्रमांक 19 का, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो 19 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा व्रज भाषा, है ना, व्रज भाषा, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? किस वर्ग की हैं? पूर्वी हिंदी की हैं, पश्चिमी हिंदी की हैं, राजस्थानी की या फिर पहाड़ी की? कौन कौन सी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, है ना, कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रज भान हरि के पास, तो कानों से कन्नौजी, कानों के खड़ी तो खड़ी बोली, है ना, बुंदेली से बुंदेली, ब्रजभान तो ब्रजभाषा, और हरि के पास तो हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी का कोड मैंने आपको बताया था कि कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, तो है ना, ये कोड याद कर लेना। और अगला जो अपना प्रश्न है वो कौन सा है, वो है मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी वो कौन सी भाषा है मुगल काल में? फारसी, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी? कौन सी भाषा है मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा हमें बतानी है? तो प्रश्न क्रमांक है 21, और 21 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा फारसी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी वो थी फारसी। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, चित्रलिपि या फिर सूत्र लिपि? निम्नलिखित लिपियों में से बताना है कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हमें बताना है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखा करें, और उत्तर होगा खरोष्टी लिपि, यानी कि जो वी नंबर है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है, तमिल, बंगला, पंजाबी या फिर मराठी? तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी लिपि, कौन सी भाषा लिखी जाती है? प्रश्न क्रमांक 23, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मराठी, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हाड़ौती पहाड़ी हिंदी वर्ग की, राजस्थानी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी की? प्रश्न क्रमांक 24, मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो 24 का आपका उत्तर होगा राजस्थानी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या शारदा लिपि से? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आपको बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है, इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम में सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे, फेसबुक में जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करेंगे, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए IAS स्टडी ट्रिक सर्च करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तब 25 का बिल्कुल सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। अगला है, इनमें से हिंदी तर भाषी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र? 26 का आंसर हमें बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताना है, हिंदी तर पूछा गया है, हिंदी तर भाषी राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो कब तक के लिए की गई थी, प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 जनवरी 1964 तक के लिए की गई थी।
ठीक है, उसके बाद इसकी जो अवधि है वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो वी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी में किस भाषा के अर्थ से पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मानक भाषा या फिर जन भाषा। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? प्रश्न क्रमांक 28। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है। बिल्कुल सही आंसर होगा मानक भाषा, सा नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कछु होते है, पढ़त ताही सब कोए, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सत्यनारायण कविरत्न की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की या फिर मैत्री शरण गुप्त की। ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं आपकी पीजीटी एग्जाम में, नेट एग्जाम में। तो प्रश्न क्रमांक 29 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, आ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किस साहित्यकार ने निभाई, सदल मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने या फिर अमीर खुसरो ने? प्रश्न क्रमांक 30। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसने, सदल मिश्र, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी, महाभास, योग वासिष्ठ या फिर बृहस्पति नीति सार? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अष्टाध्यायी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? प्राकृत का, अपभ्रंश का, पाली या फिर लौकिक संस्कृत का? पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 32। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अपभ्रंश, यानी वी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? स्वर सैनी से, मागधी से, अर्ध मागधी या फिर पैसाची से? पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर, और आपने बताया है स्वर सैनी अपभ्रंश, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? मागधी से, अर्ध मागधी से, स्वर सैनी से या फिर पैसाची से? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? प्रश्न क्रमांक 34। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अर्ध मागधी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या फिर अर्थ विज्ञान? भाषा विज्ञान के किस खंड में बताना है आपको, 35 का आंसर, और आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाक्य विज्ञान, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी से, स्वर सैनी से या वैदिक संस्कृत से? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? किसका समर्थन किया, हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदी का या फिर उर्दू का? भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? प्रश्न क्रमांक 37 और 37 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, किसका समर्थन किया? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है हिंदुस्तानी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 37 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरबी, बघेली या फिर मगही? खड़ी बोली का दूसरा नाम बताना, प्रश्न क्रमांक 38। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरबी, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है?
अबधि बोली का केंद्र स्थान बताना है, वस्ती है, वारावकी है या फिर बहराइच या फिर अयोध्या। अबधि बोली का केंद्र स्थान बताना है, प्रश्न क्रमांक 39। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है, शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, लोक गीतों की भाषा के अर्थ में। तो खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है, प्रश्न क्रमांक 40। तो बिल्कुल सही आंसर होगा शुद्ध के अर्थ में, आ नंबर। प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताना है तो बा नंबर, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ठीक है, अर्थ के अतिरिक्त बताना है, खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस में होता है, तो ये होता है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, बा नंबर। ठीक है, अगला है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम लेखक कौन था, पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिवसेन सेंगर। 41 का आंसर यहां पर बताना है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला जो प्रथम लेखक था वो कौन था, तो वो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, 42 का आंसर, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, 1963, 61, 64 या फिर 62, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1963 आ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, 44 का आंसर बताना है यहां पर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1967 में। ठीक है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ 1967। नेक्स्ट है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे, 5, 11, 21 या फिर 7, 45 का आंसर बताना है। तो 1955 में जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उस राजभाषा आयोग में जो सदस्य थे दोस्तों वो कितने सदस्य थे, 21, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो 45 प्रश्न थे आज के टेस्ट के वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताएं, बहुत सारे लोग हमारे हिंदी के जो साथी हैं, ठीक है, वो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और 9 बजे आपकी इसी प्रकार से प्रतिदिन कक्षा वीडियो आप तक प्रेषित किया जाएगा। आप लोग देखें, वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक, अन्य मित्रों को भी जानकारी दे दें कि 9 बजे अपनी हिंदी की क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग इसी प्रकार से 9 बजे निरंतर वीडियो देखें और पूरी की पूरी 1000 प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है, वो अपन कंप्लीट करेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।